हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर लिए हैं ये कॉर्न के दाने और ये इजीली आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। तो गाइज़ इन दानों को मैंने 20 रुपए में ख़रीदा था, ये पूरा बाउल भरा हुआ है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी आपको इतना लेना है कि आपके जो कॉर्न है वो इसमें पूरे डिप हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं लेना है आपको। एंड उसके बाद आपको इसमें नमक ऐड करना है। गाइज ये जो रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग है, एकदम अमेरिकन कॉर्न की रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसको हम ढककर रख देंगे और गैस को आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है और तब तक पकाना है जब ये हल्के से गल नहीं जाते। ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस इनको इतना पकाना है कि ये गल जाएं। तो हमने इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखा था और देखिए ये बहुत अच्छे से बॉईल भी हो रहे हैं। तो अब हम इसको एक बार छू के और थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो आप इसको अपने हाथ से कट करके देखिए, इजीली ये कट हो जाता है। और फिर इसको आप खा के देखिए तो थोड़ा सा कच्चापन, हल्का सा कच्चापन का टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही बढ़िया से गल भी जाते हैं अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर गलाएँगे। तो देखिए मैं हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ तो इतनी जल्दी से नहीं कट पा रहे हैं, बट मैं इसको एक बार टेस्ट करके देखती हूँ अंदर से। तो ये बहुत आसानी से मुँह से कट रहे हैं, तो मतलब हमारे जो ये कॉर्न थे तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्राई पैन रख दिया है और पानी को स्टिन कर दिया है और जो पानी था सारा मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्राई पैन में ही गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी है। इसमें ही ये कॉर्न डाल देंगे और इन कॉर्न को डाल के हम इसमें जो हमारी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बटर। तो बटर की मेरे पास ये 10 रुपये वाली टिकिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना खाना चाहते हैं उतना डाल लीजिए। आप इसमें 2 टिकिया डाल सकते हैं बट मैं बटर थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 टिकिया बटर की डाल दी है और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि चाट मसाले से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे करेंगे बाद में। एंड उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। रेड चिली आपको अपने हिसाब से डालनी है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में डालिए या बिल्कुल मत डालिए, चाट मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो इनको अच्छे से आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, तो ये भी अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं अपने घर में सभी के लिए बना रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक जो है वो आपके इस सब्जी को कॉर्न को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। एकदम अमेरिकन कॉर्न जो बाज़ार में 30 रुपए का एक छोटा सा कप मिलता है वो आप घर पर इजीली बना सकते हैं। ये कम से कम 60-70 रुपए के, आप समझ लीजिए कि अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे तो इतने 60-70 रुपए के आएंगे, जो मैं 20 रुपए के ये ख़रीद के लाई हूँ। एंड इनको बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। तो नमक हमने पहले भी ऐड किया था, उसके बाद आप टेस्ट करके देख लीजिए कि ये आपके लिए अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं। तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ। एंड उसके बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस इसके बाद जो ये हमारी रेसिपी है बिल्कुल बनकर तैयार है। बस हमें एक इसमें डालना है थोड़ा सा लेमन। लेमन से थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और इसको डालने के बाद बस अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए। तो हमारी जो ये अमेरिकन कॉर्न की रेसिपी थी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको टेस्ट करके देखिए कि ये आपके अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल बन चुका है। अब आप किसी भी कप में इनको भर के या बाउल में भर के अपने बेबी को दीजिए, अपने घर में सबको दीजिए, एंड सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएंगे। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक है। और अमेरिकन कॉर्न की रेसिपी आप 20 रुपए में देखिए कितने सारे मैंने यहाँ पर कॉर्न बना लिए हैं। आप इसमें चाहे तो जो नमकीन वाले सेव आते हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको एकदम बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बट जो अगर आप शॉप से इनको लेते हैं अमेरिकन कॉर्न को, तो वो कुछ इस तरीके से बना के आपको देते हैं। तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।